हे गाइस, वेलकम टू सस्ता ब्लॉग। आसमान देखो, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं घूमने आया हूँ अपने साइकिल से। तो ये हमारे पास में एक घाट है, मतलब एक पॉन्ड है, उसके मतलब ऐसे बनाया है, बैठने वाले जगह भी है ये। तो ठंडी हवाएं चल रहा है एंड सुंदरता की मजा लेते हैं। ये पीछे सनसेट हो रहा है। वैसे सुबह से बारिश हो रहा था पर अब सूरज निकला है, अब सूर्यास्त होने वाला है, एक घंटा बचा है। वैसे मेरे मुंह पे पिंपल्स आया है बहुत। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ ऐसा और एक था उस साइड में, लेकिन वो टूट के नीचे गिर गया। और सीढ़ियाँ भी था नीचे उतारने के लिए इस पॉन्ड में, पर वो भी टूट के नीचे चला गया। बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ यहाँ आता था सुबह सुबह। दादाजी पूरा ऐसे स्विमिंग करते थे, यहाँ से ऐसे। बहुत फिट है मेरे दादाजी थे, मतलब अब तो बूढ़ा हो चुका बहुत। यहाँ पूरा एकदम स्विमिंग करते थे, मैं यहाँ पर बैठ के उनको देखता था। वैसे हवाएं बहुत अच्छा लगता है, बाल पूरे उठते हैं, एक हीरो वाला फीलिंग आता है। ये ज़मीन यहाँ ख़त्म होता है, वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन मैं जाने की कोशिश करता हूँ। गिर गया तो मैं तो गया काम से, नहीं गिरेगा। ओह माय गॉड, वैसे फ़ोटोशूट के लिए ये जगह काफ़ी अच्छा है, बट हमारे पास कैमरा तो है नहीं, मोबाइल चाहिए, काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर बैठ के वैसे दूर से DSLR से फ़ोटो खींचता तो अच्छा लगता, बट मोबाइल से अच्छा नहीं होगा और मैं अकेला भी हूँ, कौन खींच के देगा मुझे। सेल्फी से काम चलाना पड़ेगा। इस साइकिल के पेडल पर मैं अपना फ़ोन रखने की कोशिश करता हूँ, फ़ोटो खींचने की कोशिश करता हूँ दूर से। नहीं यार, कैमरा पर नहीं आता दूर से, कोई और पोजीशन ट्राई करता हूँ। ये रहा वो जगह, और वो मेरा घर है पास में ही, शॉर्ट डिस्टेंस। और ये रहा हमारा पॉन्ड। लेट्स गो समवेयर एल्स, कहीं और घूमने जाते हैं साइकिल से। मैं यहाँ पहुँच गया इस रेलवे ट्रैक पर। वो ये नया नया करके बन रहा है यहाँ पर। मैं इस रेलवे ट्रैक के बारे में बचपन से सुनते आ रहा था। मेरे दादाजी मेरे को बोलते थे कि हमारे गांव से भी रेलवे ट्रैक जाएगा, रेलवे ट्रैक गुजरेगा। अब जाके ये बन रहा है, पर हमको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे गाँव पर कोई स्टेशन नहीं होगा। पास के एक टाउन पर होगा, जो यहाँ से 20-30 मिनट लगता है, दूर होगा यहाँ से। थोड़ा नीचे से गाड़ी जाता है और ऊपर से रेल। वैसे जगह खूबसूरत है, वैसे यहाँ पर ज़्यादा देर रुकते नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब केस हुआ था। मैं इसलिए जल्दी चला आया क्योंकि वहाँ पर एक केस हुआ था। जगह थोड़ा डरावनी है और लोग मुझे यहाँ पर पहचानते भी नहीं, तो यहाँ से जल्दी जल्दी जाना ही अच्छा रहेगा। और उसे शाम भी हो रहा है, तो लेट्स गो टू होम। वैसे घर आ गया मेरा, लेकिन इस पेड़ के साथ एक मेरा किस्सा है। ये होल देख रहे हो, अभी यहाँ पर मिट्टी है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बढ़िया बढ़िया मेमोरी है मेरा। उस घर पे मैं खेलता था बचपन पे, तो बारिश हुआ, मैं दौड़ दौड़ के आया, लेकिन यहाँ तक आते आते बारिश बहुत तेज़ होने लगा। तो मैं इतना छोटा था कि इस हॉल में घुस गया और यहाँ पर मैं बैठा रहा जब तक बारिश नहीं रुका, और बारिश रुकते ही सीधा भाग गया घर की ओर। ये जगह ने मेरे को बचा ली बारिश में फेंकने से। सैल्यूट दिस पेड़, आई लव दिस पेड़।
वैसे मेरे पापा ने इस पेड़ को यहाँ पर लगाया था। वैसे आज का जो सीनरी था वो बहुत ही अच्छा था, ऐसे बादल के पीछे से ऐसे सनरेज आता है, फिर ठंडी ठंडी हवा है, सनसेट का भी टाइम था। आह हा हा, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड हमारा ये गेट का काम हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर ये छोटी छोटी बेम्बोस लगा रहा है, क्योंकि ये जो होल होता है यहाँ से छोटी छोटी बकरियाँ घुस जाता है, तो अभी इसका काम चालू है, लेकिन हो गया वैसे। और ये हमारा ट्यूबवेल का काम भी हो गया, वैसे ये बॉडी पुराना है लेकिन हो गया, पानी आता है यहाँ से पूरा एकदम। वैसे बाल कटवाना पड़ेगा, बिल्कुल जंगली लग रहा हूँ, और इन पिंपल्स का भी कुछ करना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, तब तक मेरे बाकी वीडियोस भी देख लो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। बाय बाय, टेक केयर।